लगाऊंगी मैं कलीदार सलवार। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है इसका, है इसकी जो लेंथ है वो है 14 इंच और इसकी जो बॉटम है वो है 14 इंच और इसका ये कलीदार है और इसकी जो क्या कहते हैं 13.5 इंच इसका बेल्ट लिया है मैंने और 9 इंच इसका आसन के लिए रखा है। और ये डायग्राम देख सकते हैं आप, एकदम इजी है ये बनाना। इसको कॉपी पे बना लो, फिर जाके पेपर पे काट लो और फिर कपड़े पे काट लेंगे। ये देख लेना इसे अच्छे से, इस तरह से डायग्राम बनाने का है। ये कली का है, ये यहाँ पे 2.5 इंच लिया हुआ है नीचे को मैंने, और ये बॉटम है, ये जो बॉटम है वो है ऊपर भी 7 नीचे भी 7 रखा हुआ है, 14 इंच की बॉटम है ये। और ये बेल्ट के लिए 13.5 इंच रखा है, 13 × 26 26.5 इंच होता है, उसमें से हम 2 इंच वो करना क्या बोलते हैं नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं। और ये मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, इसे आप देख सकते हैं। और इससे बना लेना इसे पेपर टेप से। तो कपड़ा है मानो, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। पहले एक फोल्ड किया हुआ है ऐसा करने का, फिर ऐसा करना है, फिर इस तरीके से ऐसा रखना है, ऐसा रख के पेपर बरोबर कर लेने का ऐसे। हम ये छोटा साइज बनाएंगे और इसकी हम टोटल लेंथ रखेंगे, ये 14 इंच है और इसमें हम 6 इंच का इसमें बेल्ट रखेंगे, 19 इंच बनाएंगे इसे हम। और यहाँ पे बॉटम के लिए ये इसका बड़ा साइज का है, इसको हमने 14 इंच पे कर 7 इंच कर रखा है, इसका 14 इंच है बॉटम का, इसका हम छोटा साइज बनाएंगे। बॉटम के लिए 4 इंच पे रखेंगे और नीचे भी 4 करने का। फिर यहाँ से इसे सीधा मिला देना है, मैं आपको कलीदार सलवार बता रही हूँ। और ये बेल्ट के लिए है, इसका छोटा बनाएंगे हम बेल्ट का, यहाँ पे 6 इंच पे रखेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच लेना है, इसका आसन 5 पे रखेंगे, 5 इंच रखेंगे, 5 इंच यहाँ से लेने का, यहाँ पे एक बॉक्स बना देने का ऐसा। फिर बॉक्स मिला देने का ऐसे, और यहाँ से सीधा यहाँ 2.5 इंच पे लेने का ऐसे। देखो कितना इजी है कलीदार सलवार कटिंग करना। इसको पहले आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी हम यहाँ से काट के बताएंगे। इसी से आप बड़ा साइज का काट सकते हैं, हम छोटा साइज का बता रहे हैं आपको। हमारे बॉटम के 2 भाग आ गए हैं, फिर क्या करने का, इनको बीच से अलग कर देने का।
और यहाँ कल्ली है ये। दो कल्ली इसकी, चार कल्ली निकलेंगे, बताऊंगी तुमको मैं इसको कैसे लगाते हैं। ये दो बॉटम के भाग हैं, इन भागों पे स्ट्रेट लाइन जो है ये इस पे लगेगा, ऐसे ऐसे लगाने का इसको, और सिल के ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे रखने का, और एक इस साइड होगा और एक इस साइड से लगेगा, ऐसे सिल के फिर ऐसे होगा इसको, फिर ये ऐसे जाएगा दोनों भागों में इस तरीके से ऐसे जाएगा। ऐसे रखने का, ऐसे सिलाई लेने का इनमें, और ऐसा पलट देने का इस तरीके से, ये जो है अपना आसन आ जाएगा इसमें, ये सारों आसनों को एक साथ ज्वाइन करने का फिर। और ये स्ट्रेट, कभी भी ध्यान देने का, स्ट्रेट लाइन के ज्वाइन करने का, ऐसा ऐसा नहीं कि इसको ज्वाइन कर दिया, ये सिर्फ आसन के लिए होगा, ये और ये भाग हैं एक साथ जुड़ेंगे, ये ऐसे नहीं। इस तरीके से तुम्हारा ये हो गया। अभी हम इसके लिए तुम्हें बेल्ट बताएंगे, इसमें बेल्ट कटिंग करना, अभी इसमें जितना आपको बेल्ट रखना है उतना बेल्ट के लिए ले सकते हैं आप। से आपको मैं बेल्ट बताती हूँ उसका, तरीके से बेल्ट निकालने के लिए क्या करना है। उसमें से पेपर में से बचा नहीं क्योंकि कपड़ा बड़ा होता है, और उसमें से क्या करने का, बेल्ट के भी अलग से बचा लेने का। बेल्ट कैसे भी करके निकाल सकते हैं आप, ऐसे जितना उसकी तुम कमर की नाप दे रहे उस हिसाब से देख लेने का, कितना फिटिंग रख रहे हैं ऐसे। इस तरीके से आप बेल्ट निकाल लेने का कहीं से भी, एक भाग रख देंगे हम, एक भाग हमारा बॉटम की पट्टी में काम आ जाएगा, और इसी हम बेल्ट के लिए हो गया हमारा ये। बेल्ट कैसे लगता है, बेल्ट को पहले ऐसे फिट कर लेने का, जिस हिसाब से आप बना रहे हो नाप लेके, जिस हिसाब से आप बना रहे हो यहाँ से यहाँ लेके 2 इंच छोड़ देने का यहाँ पे, क्या करने का, जैसे यहाँ को 2 इंच छोड़ दिया तो यहाँ से फिर नीचे को 2 इंच यहाँ से यहाँ पे सिलाई ले लेने का, और जो ये रहता है यहाँ से सिलाई लेके यहाँ पे क्या करने का, ऐसे करके
ऐसे यहाँ ऐसे पट्टी आ जाती है, इस तरीके से बेल्ट बनाया जाता है। बेल्ट का हो गया, ये हमारी सिलाई मतलब तुमको हम इसमें बताएंगे, अभी जब कपड़े पे सिलेंगे तब बताएंगे। अभी हमने पेपर से कटिंग कंप्लीट कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।